हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वैगनआर के सीरीज पे बनाने जा रहा हूँ, टैपिट पे, कि इसका टैपिट कैसे मिलाया जाता है। ज्यादातर जो है वैगनआर में सीएनजी लगी होती है तो टैपिट इसका जो है जाम हो जाता है, उसके बाद जो है गाड़ी दबने लगती है, दब करके चलती है। तो इसका हमें टैपिट कैसे मिलाना है, इसी पे आज मेरा वीडियो है। और टैपिट मिलाने के लिए अक्सर क्या होता है कि केम निकालने के लिए हमें टाइमिंग कवर को खोलना पड़ जाता है और चेम्बर को खोलना पड़ता है। तो बिना टाइमिंग कवर और चेम्बर खोले ही जो है हमें केम को निकालना है। तो आज के वीडियो में यही है कि हमें इसको केम को कैसे निकालना है, कहां से हमें टैपिट टाइमिंग को लॉक करेंगे और टाइमिंग को लॉक करके और किस तरीके से हमें केम को निकाल करके और टैपिट को मिलाना है, और टैपिट किस तरीके से इसको मिलाया जाता है, जो कंपनी रूल होता है मिलाने का इसका टैपिट का, वो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं बहुत सरल तरीके से। आप एंड तक का वीडियो से बने रहिए और आप जानकारी लीजिए कि टैपिट इसको कैसे मिलाया जाता है, कितना इनटेक का टैपिट होता है, कितना एग्जॉस्ट का टैपिट होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका जो है स्टैंडर हम डाले हुए हैं। अब देखिए ये 15 नंबर है, आप देख रहे हैं, तो हम 15 ही से स्टैंडर से ही चेक करेंगे इसका। तो आप देखिए ये भी जो है फ्री चल रहा है और ये भी जो है फ्री चल रहा है, तो ये इनटेक का ये दोनों सही है। और बाकी घुमा करके मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए एक जॉस का केम है और आप देखिए इसमें जो है 30 से 40 होना चाहिए, तो 30 हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए 30 भी नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है टैपिट जाम है। तो इस टैपिट को कैसे मिलाना है उसके बारे में ही मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। हम जब ये टाइमिंग को लॉक करेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे टाइमिंग लॉक होगा, कैसे ये निकलेगा और केम कैसे बाहर आएगा। केम निकालने के लिए हमें आयल पंप को बाहर नहीं निकालना है, ये हमेशा ध्यान देखना है। हम दोनों केम जो है बिना आयल पंप खोले हुए जो है हम केम को बाहर करेंगे, लेकिन एक ही केम हम बाहर निकालेंगे, एग्जॉस्ट वाला, क्योंकि इनटेक का हमारा केम सही है। तो एग्जॉस्ट का हमें टैपिट मिलाना है, तो एग्जॉस्ट वाला केम हम बाहर निकालते हैं अभी। अब देखिए इसका टाइमिंग यही है, यहाँ पे ये देखिए इसके बराबर में आपको रखना है, ये वाला जो कट दिख रहा है केम का, और इसी तरह सेम जो है इस तरफ भी जो है आएगा। ये देखिए ये भी दिख गया, तो ये हमारा टाइमिंग जो है इस पे ओके है, इसी पे हमें जो है लॉक करके खोलना है। और ये क्रेंक का टाइमिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंदी, ये भी हमें जब हम यहाँ पे लॉक करेंगे तो ये भी हमें ध्यान देना होगा कि ये कहीं ना घूमे। आप देखिए ये क्रेंक वाले पुली पे, और इसे हमें बीच से मैच करना होगा। जब हम ये केम वाले पोजीशन पे ले आएंगे टाइमिंग के, तो वो भी आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ हमें देखना होता है, तो ये समझिए कि हमारी ये टाइमिंग पे है और इसके इसी पे हमें लॉक करके और उसको खोलना होगा। और उसके बाद हमें ये टाइमिंग चेन को लॉक कैसे करेंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ। अब इस तरफ जो है पीछे साइड में, अब देखिए ये 12 नंबर का बोल्ट है, इसको हमें खोलना है, और खोल करके इससे बड़ा साइज में बोल्ट हमें लगा करके लॉक करना है। मैं उसको दिखाता हूँ कैसे होगा वो लॉक, पहले उस बोल्ट को मैं खोलता हूँ, बाहर करता हूँ उसे। इस बोल्ट को हमें इतना टाइट करना है कि चैन ढीली हो जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं टाइट करना है। जो हम बोल्ट टाइट कर रहे हैं, देखिए ये एडजस्टर को जो है आगे वो कर रहा है। अब देखिए ये, तो अब देखिए ये चैन जो है ढीली हो गई, अब देख सकते हैं ये। अब
अब इतनी ढीली हमें रखनी है, ज्यादा बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है। उसके बाद हमें ये केम को एक रिंग से किस नंबर से लॉक करना है पकड़ करके, और इस बोल्ट को खोलना है इस तरह। और इसमें जो है हमें थोड़ा सा कपड़ा रख लेना है कि इसके अंदर जो है देख सकते हैं इसमें 338 आया हुआ है, निकला हुआ है जो पुराना वाला 338 नंबर का टैपिट इसमें लगा हुआ था, और हमने जो है इसमें देखिए 338 लिखा हुआ है। और ये गेज 25 जो देख रहे हैं आप, ये हमारा गेज था 30 से 40 होना चाहिए एग्जॉस्ट का, तो 25 नंबर का गेज इसमें लगा है 25 mm का। उसके बाद हमें इसको जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद में ये 363 आया हुआ है। उसके बाद हमें ये 35 से यानी 35 से माइनस करना है, एग्जॉस्ट वाले जो भी टैपिट होंगे 35 से ही माइनस होंगे। 35 से माइनस होने के बाद जितना अंक इसमें आ जाता है, ये 328 आया हुआ है यानी 328, तो हमें जो है ये 328 नंबर का लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें सब नंबरिंग का आता हुआ है एमजीपी में आप देखिए कोई 326 नंबर का है, तो इसमें देखिए ये 320 नंबर का है। इस तरह से जो है आप इस 328 नंबर हमें स्टैंडर्ड ही साइज रखना है, थोड़ा सा हल्का ढीला रहेगा वो चलेगा लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए। तो आप जो है हम इसमें जो है ये लगा देंगे सही से, हाँ ये देखिए 326 का आ गया, तो हम इसको फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद में हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जो इनटेक का होता है, इनटेक भी हमें इसी तरीके से चेक करना है, तो इनटेक का अलग है फ्रेंड्स, हमें इनटेक का अलग होता है, एग्जॉस्ट का अलग होता है, मैंने पहले भी बताया है। तो इनटेक का 14 से 23 होना चाहिए, तो ये मान के चलिए हमारा ये 10 गेज हो गया। हमने मानते हैं कि 10 नंबर पे अगर आ जाता है टाइट होता है, तो 10 ये हमारा गेज आया, तो हम पहले इसमें 10 लिख लेंगे। उसके बाद जब टैपिट हम निकालेंगे, जैसे ये इस तरह का टैपिट निकलता है, और टैपिट में नंबर जो है 344 है, तो हम यहाँ 344 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में ये कितना आ रहा है 354 यानी 354। उसके बाद हमें 19 से माइनस करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इनटेक का जो है 19 से माइनस होगा, और एग्जॉस्ट का जो है 35 से माइनस होगा, एग्जॉस्ट का 35 से माइनस होगा, और इनटेक का जो है 19 से माइनस होगा। माइनस करने के बाद में हमारा ये आया 335 यानी 335, तो हम 335 का कोई भी जो है इसमें टैपिट डाल देंगे। अगर 335 का नहीं मिलता है तो हम इसमें जो है 34 भी डाल सकते हैं। हम अब इसको फिटिंग करने जा रहे हैं केम को, और केम फिट करने से पहले हमें क्रैंक वाला टाइमिंग एक बार चेक करना होगा, कहीं घूम तो नहीं गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरा टाइमिंग बिल्कुल ओके है वहां पे, वहीं तो आप देख सकते हैं हमने इसमें गरारी लगा दिया है, और मेरा ये टाइमिंग देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए ये, और इस तरफ भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो केम लगाने से पहले हमें जो है ये गियर को लगाना होगा, उसके बाद हम केम लगाएंगे। केम को थोड़ा सा जो है आपको टेढ़ा करना पड़ेगा, केम बोल्ट को हम फंसा देंगे, फंसा करके और केम रिंग से पकड़ करके इसको हमें टाइट कर देना है फुल। पहले हम पल्ले लगा लेंगे, उसके बाद पल्ले टाइट करने के बाद इसमें ये करेंगे। उसके बाद हम 12 नंबर का जो बोल्ट लंबा वाला डाले थे उसको निकाल करके उसके बाद फिर हमें ये बोल्ट टाइट कर देना है। फ्रेंड्स देखिए क्रैंक का टाइमिंग हमारा ओके है बिल्कुल मार्क पे। उसके बाद जो है हम केम का दिखा दे रहा हूं आपको, अब ये देखिए केम का, उसके बाद इस तरफ देखिए ये केम पे इससे बराबर रहेगा और ये इससे बराबर रहेगा। फ्रेंड्स गाड़ी स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 30 एंड 40
यानी 30 से 40 हमारा एग्जॉस्ट वाला टैपिट रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं 338, ये जो टैपिट के अंदर से निकलता है उसका नंबर है, यानी टैपिट इस नंबर का लगा हुआ है। और हमें 25 जो है ये गेज है जो हम चेक करेंगे। तो किसी में जो है मैंने बताया कि ये 30 से 40 रहना चाहिए, तो इसमें 25 गेज आया है। किसी में जो है इसमें देखिए 20 आया हुआ है। तो जिसमें जितने भी आए जो आप चेक कर लीजिए, अगर 30 नंबर का गेज जो है हमारा टाइट जा रहा तो फिर हम उसमें 25 नंबर के देख लेंगे, 25 नंबर फ्री जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 25 भी टाइट जा रहा तो जैसे इसमें हमने 20 आया हुआ है 5 नंबर में, तो हम 20 लगा कर चेक कर लेंगे। अगर 20 आया हो तो 20 लिखेंगे, और नहीं तो अगर मान लीजिए ये 25 यानी 25 आया है तो 25 लिख करके यहाँ देखिए प्लस का है, फिर उसके बाद हमें प्लस इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 363। उसके बाद हमें 35 से माइनस करना है 35 से, ये देखिए माइनस का मैंने मार्क लगाया हुआ है। इसे माइनस करने के बाद में कितना आ गया 328। इसी तरह से जो है हमें एग्जॉस्ट ये हो गया, और इंटेक का हमें इसी तरीके से इसको मिलाना है। इंटेक में जो है 14 से 32 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, देखिए 14 एंड 23 इतना हमारा टैपिट का रहना चाहिए। तो ये जो हमने निकाला है ये टैपिट का है, और ये जो 10 देख रहे हैं ये मेरा गेज है, यानी किसी में 15 नंबर आएगा या टाइट जाएगा तो हमें 10 चेक करना है, 9 चेक करना है, 8 चेक करना है, जो भी आएगा गेज वो गेज को हमें यहाँ लिख देना है। उसके बाद हमें इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद में 19 से माइनस करना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो इनटेक होगा वो 19 से माइनस होगा, और जो एग्जॉस होगा वो 35 से माइनस होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और कमेंट में जरूर हमें बताइए कि इस तरीके से टैपिट के सीरीज में टैपिट कितने लोगों ने मिलाया है और किसको किसको जानकारी थी, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।